टॉपिक है वो मैं आपको इसमें कैसे रहती है। देखो ये जो ब्रीड मेरे पास है, ये ब्रीड के बाल पकड़ने की कोशिश करें तो नहीं पकड़ने आएंगे, क्योंकि ब्रीड के बाल इतने हैं। सो हम नो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि अभी देखो जो मौसम है वो सर्दियों का आने वाला है, ऑलमोस्ट लेब्रा है हमारे पास और स्ट्रॉम। तो मोस्टली क्या पता है कि हमें जब भी गर्मियाँ मौसम चेंज होता है, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमसे चूक क्या हो जाती है कि जैसे बारिश हो रही है, हमारे हमको ये नहीं कभी मालूम पड़ता कि हमारे किस डॉग को कितना ज़रूरत पड़ेगा विंटर केयर का। विंटर केयर वर्सेस में यूज़ रहा हूँ, उसमें आप उसका सप्लीमेंट कह लो मेगा 3 मेगा 6 या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कपड़े। जैसे स्ट्रॉम है, इसके बाल बिल्कुल अगर आप पकड़ोगे तो हाथ में भी नहीं आएंगे, तो ये इसके बाल इतने छोटे होते हैं। लेब्रे का कोट थोड़ा बहुत होता है, पंगा क्या कि इसको आपको जैसे ही कह लो कि दिवाली के आसपास जाकर इसको आप प्रॉपर कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो डॉग के वगैरह कपड़े होते हैं आप जानते हैं, आपको हर वेबसाइट पर हर पेट शॉप पर मिल जाएंगे नीचे। तो मैं ये कहूँगा कि देखो जो तीन तरह की ब्रीड होती है, जैसे ये ब्रीड है, नो स्टॉप, तो तीन तरह की ब्रीड होती है, एक बहुत लंबे बालों वाली जैसे जर्मन शेफर्ड है, एक छोटे बालों वाली जैसे कि लेब्रा है, एक है इस तरह की पिटबुल, ये हो गया, ये बैठे काम करें, जाओ उधर जाओ। और जो भी छोटे बालों वाली ब्रीड है स्टॉम, उसके लिए आप उसके स्वेटर क्लोथ कह लो, विंटर क्लोथ कह लो, वो ज़रूर लगाइए। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, स्टॉम तो बड़ा है अभी, बहुत सारे केसेस में बहुत छोटे छोटे ब्रीड्स होते हैं, क्योंकि ये इनको भगवान ना करे कि सर्दी लग जाए, खासकर विंटर केयर में किसी की जरूरत पड़ती है सर्दी की, भगवान ना करे कहीं इनको सर्दी लग जाए, उस केसेस में फिर वो हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है इसको संभाल पाना और बैक टू रिकवरी या बैक टू नॉर्मल ग्रोथ पर लेकर आना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेन सो इम्पॉर्टेंट है कि जिस ब्रीड के बाल आप पकड़ भी ना पाओ, उस केसेस में आप उनके क्लोथ, उनके खान पान कभी भी फ्रिज से निकाल कर खाना दही मत दो, कभी भी आप उसको ठंडा पानी मत दो। गर्मियों में ये सब चीज़ें चल जाती हैं कभी कभी, लेकिन जिन ब्रीडों हैं जिसके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कपड़े। जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो, एक मोटा सा आइडिया ये ले लो कि जब आप खुद लॉन्ग स्लीव के साथ स्वेटर पहनना चालू कर दो, इनको भी ठंड लगनी चालू हो जाती है। वैसे इनका बॉडी टेम्परेचर हमसे अधिक होता है, इनका नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 100 से ऊपर, 103 से नीचे, 102 के आसपास नॉर्मली होता है। सॉरी फॉर देयर साउंड, क्योंकि अभी उनको जेलोसी है कि ये क्यों बैठा हुआ है, उनकी बारी का बारी। तो मेरे पास एक संडे का समय होता है उनके साथ थोड़ा सा टेक केयर देखना कि किस तरह है ये। बाकी मैं फ्रेंड आई रिपीट अगेन, अगर आप छोटी ब्रीड ले रहे हो इस कमिंग सीजन, तो आप प्लीज़ उसका साथ ही में उसके कपड़े वगैरह क्लोथ, उसके लिए एक छोटा सा डॉग हाउस मिल जाता है, आप अपने बेडरूम में रख सकते हो, वो काफ़ी वार्म उसको देता है, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आप ज़रूर दीजिए। उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन रखना, खान पान किस तरह का क्या देना वो चीज़ें जरूरी होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके कपड़े और इनका जो बेड कह लो, हाउस कह लो, कमरे कह लो, वो जरूरी होगा। ओके स्टॉम, अच्छा लगा ना, थैंक गॉड ये थोड़ा शांत हुआ, अक्सर ही इस तरह के हालात हो जाते हैं जब इनके साथ पे वीडियो शूट करनी होती है। तो माय फ्रेंड ज़रूर अमेरिकन बुली बहुत ही अच्छी, प्यार करने वाली, बहुत बढ़िया ब्रीड है, और आप ज़रूर लीजिए है ना स्टॉम। फ्रेंड्स आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।